इन खबरों के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत। बड़ी जानकारी, पिछले महीने बिट्टू के भाई पर हमला हुआ था। पिछले 27 दिन से अस्पताल में भर्ती था बिट्टू का भाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो बिट्टू के भाई की मौत के बाद हाई अलर्ट पर है फरीदाबाद पुलिस। बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। बिट्टू बजरंगी के भाई की जान चली गई है, कि मौत हो गई है, क्योंकि पिछले महीने बिट्टू के भाई पर हमला हुआ था और पिछले 27 दिन से अस्पताल में भर्ती था बिट्टू का भाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। बिट्टू के भाई की मौत के बाद हाई अलर्ट पर फरीदाबाद पुलिस। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत। पिछले महीने बिट्टू के भाई पर हमला हुआ था। पिछले 27 दिन से अस्पताल में भर्ती था बिट्टू का भाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। बिट्टू के भाई की मौत के बाद हाई अलर्ट पर फरीदाबाद पुलिस। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत। पिछले महीने बिट्टू के भाई पर हमला हुआ था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो मामला सामने आया है, बिट्टू के भाई की मौत हो गई है अस्पताल में, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले जो बिट्टू बजरंगी का भाई है उसके ऊपर किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, जिसके कारण आग लग गई थी। आरोप ऐसे से लगाए थे इनकी तरफ से, लेकिन अभी तक मामला पुलिस ने दर्ज किया है। कोई भी आरोपी अभी जो गिरफ्त में नहीं आया है। तमाम अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है और देर रात एम्स में उपचार के दौरान बिट्टू बजरंगी के भाई ने दम तोड़ दिया है। बिट्टू बजरंगी है जो वो उस समय चर्चा में आए थे जब नूह हिंसा का मामला भड़का था, उस समय एक वीडियो वायरल की गई थी जिसके कारण ये चर्चा में आए थे। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए बिट्टू के भाई की मौत के बाद फरीदाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर है।